आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे जो है जिनकी गोदी में बैठी हुई हूँ वो मेरे फादर है एंड ये मेरी मॉम है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है, मासूम लड़की नहीं होती है ना, जिसको मतलब कुछ नहीं पता दुनिया से कुछ नहीं, बस मेरे को जबरदस्ती थप्पड़ मार के करवाओगे तो यही होगा। तो थोड़ा सोचे कि बॉय कट भी दिखा दे। बॉय कट नहीं, मैं शुरू कटोरा चलो कटोरा कट, मैं इसमें क्यूट लग रहा हूँ, मुझे पता है। अबे चूहा लग रहा है, ये चूहा। थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो मैं जब बड़ी हो गई तो मेरे के तवले पर ये देखो साइड में लगी हुई फोटो गंजा रहा शू गाइस। Too many questions, you must think I judge you. Yeah, you searching for answers, I do not know nothing. जब हम न्यू बॉर्न थे और उसके बाद लाइक अराउंड 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे के अराउंड हमारी फोटोज जो है मतलब हमारे बचपन की ऑलमोस्ट और ये सारी फोटोज मेरी है और प्रेप की फोटोज फोन में है और मेरे पास ज्यादा है नहीं क्योंकि शूटिंग के दौरान एक्चुअली वो एल्बम पता नहीं कहाँ चलेगी, मतलब मेरे पास तो इतनी फोटोज थी और मैं इतना क्यूट था, राशिज तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप खुद बता देना कि कौन सबसे ज्यादा क्यूट था। एंड गाइस मुझे ना थोड़ी सी एंबैरेसमेंट भी हो रही है अपनी फोटो दिखाते क्योंकि मेरी कुछ फोटोज बहुत मुझे राशि की ना एक वीडियो भाई एक फोटो है मैं जो देखता हूँ ना मन करता है कि थोड़ा इतनी क्यूट सी है ना ये, मतलब इसे पूछो मत। अब आए ना लाइन पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेल फर्स्ट फोटो से एंड गाइस मैंने अपनी फोटोज इस ऑर्डर में लगाई है कि सबसे छोटी बड़ी 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 वाली और गाइस काफी सारी फोटोज हैं और इनमें से कुछ के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही है क्योंकि कुछ फोटोज ना बहुत ज्यादा अजीब है। तो आपको व्लॉग को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि बीच बीच में फोटोज का बेड़ा ही गर्क होने वाला है। मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी बकवास फोटोज भी खिंचवाई, मतलब मैंने क्या ही खिंचवाई है, इन लोगों ने खींची है मेरी फोटोज। सो गाइस शुरू करते हैं ये वाली फोटो से, आपको साइड में दिखी होगी ये वाली फोटो, शायद मैं 1-2 महीने की होंगी और मान के 2 महीने की और बेबी चिन चेक करो, डबल चिन चेक करो इसकी, डबल चिन नहीं होती बच्चे ऐसे ही होते, इतना ऐसा कोई बच्चा नहीं होता, होते हैं। हाँ मैं मुंह देखो फुटबॉल की तरह, मुंह कैसे मैं, हाँ कहते रहो फुटबॉल की तरह, मुंह फुटबॉल है तो चोको है बस वो नहीं होता क्रिकेट बॉल। मैं बड़ी क्यूट सी येलो कलर की फ्रॉक पहन रखी है एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फोटो है किसी फोटोशॉप से खिंचवाई गई है, घर की फोटो नहीं है पीछे क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है। तो बचपन से ही मैं अपना फोटोशूट कराती रहती थी, मतलब ये लोग मेरा करते रहते थे, वो भी स्टूडियो में जाके गाइस घर पे नहीं। सो गाइस ये है फर्स्ट फोटो, सेकेंड फोटो है ये वाली, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे जो है जिनकी गोदी में बैठी हुई हूँ वो मेरे फादर है एंड ये मेरी मॉम है और ये हूँ मैं रेड कलर की फ्रॉक में। एंड मुझे अच्छे से याद है कि ये वाली फोटो जो है ना ये है वैष्णो देवी की और ये शायद मेरी फर्स्ट टाइम थी मैं वैष्णो देवी गई थी, मतलब अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि लाइक मैं हिंदू हूँ तो हमारे में झाड़ उतरवाती है झाड़। सो गाइस हम लोग हमें मुंडन कराते हैं क्योंकि ये हमारे में एक रिचुअल होता है, तो हमें मुझे ये कराने ही लेके जा रहे थे। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, इतने में नहीं कराते हैं मुंडन, बचपन में ही करा देते हैं, लेकिन मुंडन लेट क्यों हुआ आपका, क्योंकि मम्मी ने बोला था वैष्णो देवी में ही कराना है। नहीं पापा ने मन्नत मानी थी जो हमारा पहला बेबी होगा ना वैष्णो देवी बाद। तो बचपन में थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो मैं जो बड़ी हो गई तो मेरे के तवले पर। सो गाइस नाउ वेट फॉर इट गाइस एंड गाइस ये देखो वोटा गिर गई, ये देखो साइड में लगी हुई फोटो गंजा रहा शू गाइस, दिस इज मी कच्चा, लुक एट माय टकला गाइस, सो बिग टकला बॉस एंड टकला करो और मुंडन करा के मैं सो क्यूट और मैं कैसे पोज भी दे रहा हूं टकला बॉस माय, अरे कितना अच्छा लग रहा ना गाइस। अब अगली फोटो जो है ना दिल थाम के बैठना, ये फोटो तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ये मैं देखो ये फोटो चेक करो गाइस, कौन से कितनी तो क्या करना चाहती थी ये, हाँ इससे क्या गाइस इसके पीछे ना, गाइस इसके पीछे ना बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, ध्यान से सुनना शांति से, ये पक्का है मेकअप कर देती, चुप करो सुनो इसके पीछे की स्टोरी गाइस। मैं ना मुंडन करवा के आई
तो लाइक मुंडन करवाने जब जाना था उससे पहले मेरी मैम ने बोला, मैं ना राधा बनी थी हमारे स्कूल, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा स्कूल है, और मेरे को मैम ने राधा बनाया था, तो बनाना था, उन्होंने मम्मी से बात करी थी कि नहीं करी थी पहले उनका, अच्छा उनका आपस में था कि हम इसको राधा बनाएंगे, इसके बाल बहुत अच्छे हैं क्योंकि तेरे बाल बहुत लंबे, हाँ तो मेरे बाल बहुत लंबे थे ना, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को राधा बनाएंगे, उसके बाद उसके बाद मेरे घर वाले इतने मान, मेरे घर वाले मुझे मुंडन कराने ले गए, तो मैं आया तो मैडम को हार्ट अटैक आ गया, कहती कहती हम इसको सुदामा बना देंगे, इन्होंने मुझे सुदामा बना दिया। Oh my God, क्या बात है, एंड लेवल था। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी सुदामा बना देती हूं, चलो बना दो कुछ तो फिर इन लोगों ने मुझे सुदामा बना दिया, ये नीचे वो धोती पहन के, गले में वो सुदामा वाला पहन के टिक्का लगा, ओह माय गॉड आई एम लुकिंग सो क्यूट, फिर भी ये सब मैंने रेडी किया था तेरे को पता है, वाओ मम्मा लुकिंग सो क्यूट, कहां मुझे राधा बनना था, इन्होंने मुझे सुदामा बना दिया, बट मैं फिर भी बहुत क्यूट लग रहा हूँ बहुत ज्यादा, राशि की ये वाली, इसमें मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है, मासूम लड़की नहीं होती है ना, जिसको मतलब कुछ नहीं पता दुनिया से कुछ नहीं, बस मेरे को जबरदस्ती थप्पड़ मार के करवाओगे तो यही होगा, ये भी मुंडन होने से पहले की फोटो है, गई ये देखो मेरी माता ने कराया, ये क्यों दिखा रही है, फिर मेरी माता ने बोला मेरी बेटी के पीछे रह, ये लो मेरी बेटी भी कराई, बट मम्मी ज्यादा अच्छी लग रही है ना मुझसे, मम्मी तो हैंडसम है, ब्यूटीफुल सो गाइस नेक्स्ट फोटो, अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, मुंडन फ्रेश से बड़ी हो गई और मेरा थोड़े थोड़े बाल बाल आ गए हैं, तो थोड़ा सोचे कि बॉय कट भी दिखा दे, बॉय कट भी मैं शुरू कट हो रहा है कट हो रहा, चलो कटोरा कट, कटोरा कट है ये, लेकिन गाइस हीरोइन बनने का मुझे पहले से शौक था, बैक थी मैसेज चेक करो गाइस, यार मेरा मन कर रहा है मैं ना रिक्रिएट करूं अपनी फोटो, इतनी सारी फोटो है ना मेरे पास, इसमें मैं अभी और मेरे पास भी बहुत सारी फोटोज थी पर मैं एल्बम ना खो गई तो पता नहीं कहां गई, और ये जो आप पीछे लड़का देख रहे हो ये है मेरी बड़ी वाली मासी का बेटा, और ये कौन है ये आप गेस करेंगे, ये जो जिसके कान में उंगली डाल रखी है ये कौन है ये आप लोग गेस कर दो, मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखूंगी कि आप लोगों ने क्या गेस करा है, तो ये आप गेस करो, वैसे आप इजीली गेस कर लोगे, आपने इसको एक आधी बार देखा होगा, हाँ गाइस दिस इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग फोटो फॉर मी, नहीं एम्बैरेसिंग नहीं अच्छी बात है, ये है हमारी धरती माँ भारत, तो धरती माँ वही होती है, कहती भारत माता, ये भगवान पढ़ लेती थोड़ा सा, मैंने बोला धरती माँ कहती भारत माता, यार पागल है क्या, एम्बैरेसमेंट सर पे चेक करो गाइस खड़ी कैसे, नहीं इतना सीरियस स्माइल तो कर लेती, मैं बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी है बहुत अच्छी सी, ये जो वीडियो आप फोटो आप देख रहे हो ना, ये मेरे स्कूल का छत है, एंड गाइस इसमें ना मेरे को भारत माता बनाया था, और इसमें मैंने नॉर्मल डांस नहीं किया था, इसमें मैंने तांडव किया था, भारत माता कौन सा तांडव करती है, मतलब भारत माता बहुत गुस्सा हो गई है कि आजकल लोग जो कर अच्छा, रहे हैं ना, ओके, ओके। तो वो बहुत एग्रेशन में है, मतलब मैं मैसेज दे रही थी कि भारत माता बहुत गुस्से में है, और वो एक वो हम जैसे पोल्यूशन कर रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं सब, इसलिए भारत माता बहुत एग्रेसिव हो गई है, तो इसमें मैंने तांडव किया था, सो वाइल आई वॉज यू नो प्रैक्टिसिंग दिस डांस, तो मेरे को अच्छा लग रहा था, बट जब मुझे परफॉर्मेंस करनी थी ना तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बिकॉज थी तो मैं छोटी और स्कूल के बाकी भी बच्चे थे, और मैं एट्थ क्लास में एट्थ में नहीं थी सॉरी फिफ्थ सिक्स में थी, तो मेरे सीनियर्स भी थे, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि लाइक मैं उनके सामने ऐसा डांस करूंगी, बट मेरी मैम ने मुझे बोला कि ये आपका आपका काम है, आप अगर अपना काम अच्छे से करोगे ना तो आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा, सो हुआ क्या मैंने अपना डांस परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट करा, ये मतलब ये सब इन सब ने भी करा था, ये जो जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं, और मैंने बीच में तांडव करा था, तो जब मैंने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली ना तो प्रिंसिपल मैम ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, और मेरे को बहुत डर लग रहा था, उसके बाद अब है सुनने की बात, भाई स्कूल में क्या मेरा टोरा बना, ओए 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 सबने मुझे क्या पूछा, एक एक बंदे ने आके मुझे बोला क्या टोरा की आपके एक्सप्रेशंस आपने इतना अच्छा किया, किसने मेरी बेइज्जती नहीं करी, सो गाइस जो नेक्स्ट फोटो है ना भाई मेरे को तो ये देख के ना टोरा तो पता नहीं बट डर जरूर लगने लग जाता है जब भी मैं देखता हूँ, कराटे टाइगर मंडू है यार, कराटे में आता है ना डिफरेंट होता है, क्या बात कर रहे हो,
मैंने भी किया भाई, मेरे पास भी है फोटोज पर घूम के। सो गाइस कितनी थी ये? चार टाइप्स थी। तोड़ियो उसको जरा, तोड़ था हां, अब तो तू ही टूट जाएगी ना, इतना भी है मां पे तेरी गर्दन तोड़ू फटक कर। अब मेरे को पता नहीं थे कब की फोटो है गाइस, ये वाली फोटो है मेरी 8th या 9th 8th या 7th क्लास के एनुअल डे की। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और मैं, ये भी मेरी एक लाइक लाइफ का एक पार्ट था जब मैंने टाइकोंडो किया था, मैंने और नव्या ने दोनों ने किया था। एंड नव्या भी टाइकोंडो करती थी और मैं भी, और हमने ये कब से, मामा 2 साल तक किया होगा ना, 2-3 साल तक, 2-3 साल तक हमने करा था और फिर हमने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गई थी। डायबिटीज नहीं हो गई थी वो, फैक्टर। अच्छा अच्छा, ये फैक्टर हो गया, कुछ नहीं पता इसको, कुछ नहीं पता। अब मेरे को बात बताओ, ये फोटो स्कूल से मिली है ना? कितने रुपए की मिली है? पैसे लेते होंगे ना? 20 रुपए। भाई स्कूल वाले पैसे लेते हैं फोटो के बाद ना। मेरा मन कर, मेरा मन करता मैं 2-3 ले लूं, पर स्कूल में ग्राउंड तो था नहीं। नहीं, हम एनुअल फंक्शन के लिए ग्राउंड करा था इन्होंने। अच्छा, यही नहीं है द्वारका NSIT यहाँ पर हुआ था। इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए हम राइट लेते हैं, लेफ्ट पे NSIT आता है। कितनी दूर बोलो का हे, फुल ऐसे मारो। हाँ भाई, ना ऊंचा ऊंचा पेट में से आवाज निकाल देते हैं, भाई पेट में से आती है आवाज। हम बेवकूफ लग रहे हैं। अब तू दिखा। मैं दिखाता हूँ। सो पहली फोटो है ये, मैं इसमें क्यूट लग रहा हूँ, मुझे पता है। अबे चूहा लग रहा है। ये चूहा भाई, जो लाइन चेक करो, किसी भी बच्चे की नहीं होती। इसका देखा है माय डबल चिन, हाँ चेक कर लो गाइस, कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। वैसे मेरे पास ना इससे भी एक बचपन की फोटो है, वो पता नहीं कहाँ है, उसमें तो भाई मैं कह रहा हूँ आप खुद बोलोगे कि भाई राशि से ज्यादा क्यूट लग रहे हो आप, मैं चैलेंज दे सकता हूँ। दिखा ना फिर, है तुम वो है नहीं ना। और ये तो रिसेंट थी, ये तो छोड़ दो। ये है जब मैंने बनाया था भाखड़ा नंगल डैम, ये मेरे बनसली स्कूल की है और ये फोटो मुझे मिली थी 50 रुपए की। चेक कर। और ये मैंने ना इतना बड़ा डैम बनाया था, इतना बड़ा डैम बनाया था, पापा ने बनाया था। पापा ने नहीं, दिमाग मेरा ही था, पापा ने बस ये ढांचा तैयार करा था, बाकी सारा दिमाग मेरा ही था। कैसे है ना, पापा से बनवा लेते हैं फिर बच्चे क्रेडिट भी नहीं देते बाद में। पापा ने ढांचा तैयार किया था बस, बाकी सारा इलेक्ट्रिसिटी का वर्क, इधर उधर डेकोरेशन, सब सब कुछ मैंने करता। और ये कौन सा मॉडल था ना, मतलब साइंस मॉडल था, तो 8th and 9th में कोई रिमेम्बर नहीं है, मैं फर्स्ट आया था। और 3 साल ये मॉडल स्कूल में पढ़ा रहा, और हर साल लगता रहा ये मॉडल, वो भी फर्स्ट पे, क्योंकि कोई टक्कर का था ही नहीं जो मेरे ऐसा भी बना के दिखाते। जब मैं स्कूल में मॉडल लेके आया था ना भाई, सब बोलने लग गए, सब हैरान हो गए, भाई क्या लेके आया प्रभजोत, क्या लेके आया ये चीज। सो गाइस प्रभ के पास है 2 ही वोटर्स। सो लाइक शेयर कमेंट करके बता देना कि आपको हमारी फोटोज कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कोड 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 को। सो गाइस हमें प्रभ की फोटो मिली है April 2014 की, ये देखो। और ये 5th अप्रैल की, हम कहीं घूमने जा रहे थे और मैंने ना न्यू अमृत शका था तब, तो मैं दुमाला पहनता था। ओके, और एक और फोटो है आप ये देखो भाई, मेरे को तो बचपन से फोटो का शौक था। एक ये भी है, काम वाला बंदा, ऐसी लैपटॉप चलाना भी नहीं आता लेकिन ड्रामे करने। वो हेलो लैपटॉप, इनसे पूछो एक बारी, स्पेस को, स्पेस क्या होता है, क्या स्पेस दो आ गया ना, स्पेस क्या होता है, स्टोरेज। अच्छा स्पेस बटन होता है। कौन सा बटन होता है, सबसे बड़े वाला, चौड़े हो रहे हैं, पता है भाई, पता है। सो गाइस हम व्लॉग यही एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, वो भी मम्मी के साथ, सो दैट आपको हमारी बचपन की और ज्यादा स्टोरीज पता चले। हाँ, मैं भी मम्मी को बिठाऊंगा तो और भी आपको स्टोरीज पता लगेगी, मेरी स्टोरीज इन स्टोरीज के सामने कुछ भी नहीं है और इनके पास फोटोज ही नहीं है, पर मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी हैं। मैंने बचपन में इतने सारे कारनामे करे हैं, इतने सारे कारनामे करे हैं तीसरे फ्लोर से, जो आज तक हैरान, मतलब बंदा विश्वास नहीं कर सकता वैसे सारे कारमान करे हैं। वो मैं बता नहीं सकता ना, सेकंड पार्ट 2 पे बताऊंगा ना, अभी बता दिया तो फिर पार्ट 2 के क्यों देखेंगे लोग, पार्ट 2 हम सिर्फ वही स्टोरी सुनेंगे जो हमारे पास फोटोज है। फोटोज नहीं है तो नो स्टोरी। नहीं ऐसी बात नहीं है, विदाउट फोटो भी हम स्टोरी बताएंगे, किसी की बात फोटो नहीं है तो बंदा अपनी बोल नहीं पाएगा। आपका ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके पार्ट 2 चाहिए तो